हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो आप लोग बताओ आज क्या बनने वाला है। दाल दाने देख के, टाइटल देख के आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, आज हम लोग बना रहे हैं खिचड़ा, वो भी स्पेशल तरीके से। खिचड़ा बनाने के लिए हम लोगों को कुछ दालें, चावल, गेहूं ये सब चाहिए रहेगा। मैं आप लोगों को क्वांटिटी बताती हूँ कौन सी कितनी चाहिए करके। मैंने इस मेजरिंग कप से मेजर करके ली हूँ। ये पाव कप है और ये 1 कप है। मैंने ये पाव कप चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, ये उड़द की दाल है जिसे माश की दाल भी बोलते हैं, ये लोबे है इसे चौली भी बोलते हैं, ये पाव कप मसूर की दाल है, 1 कप चावल है, ये 1 कप बार्ली है से बार्ली बोलते हैं। देखो ये गेहूं के जैसी ही दिखता है। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। और ये 2 कप गेहूं है। इन सब चीज़ों को हमको रात में भिगने रखना है। अब ये चावल और दाल दानों को हम एक साथ में एक बॉल में डालेंगे। इन सबको हम एक साथ भिगाएंगे। ये गेहूं और बार्ली को हम साथ में भिगाएंगे। इन सबको अच्छे से वॉश कर लेंगे 2-3 पानी से और फिर ओवरनाइट इसे भिगने छोड़ देंगे। सो गाइस, हमने जो ये रात में भिगने डाले थे दाल दाने, गेहूं और बार्ली, देखो ये डबल क्वांटिटी में हो चुके हैं, भिग के फूल चुके हैं एकदम से और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। अभी हम इसको कुकर में डाल के इसे अच्छे से गला लेंगे। मैंने इसका पानी फेंक दी हूँ, अब इसके कुकर में डाल देंगे। एक जग पानी डाल रही हूँ। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। इसको 5 सीटी तक गला लेंगे। गेहूं और बार्ली को अलग कुकर में डालेंगे। इसे भी 5 सीटी आने तक गला लेंगे। इसमें भी हम 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। इसमें भी मैं 1/4 जग पानी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ। ये 1 kg प्याज है, मैंने इसको छिलके अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब हम इसको छोटे छोटे पतले स्लाइस कट करके इसका बिरिस्ता बनाएंगे। प्याज हमने अच्छे से चॉप कर लिए लंबी लंबी स्लाइस कट करके। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे तेल में और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। एक बड़ी सी तपेली में मैंने तेल ऐड कर दी हूँ। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमको ये प्याज को डीप फ्राई करना है और हाई फ्लेम पे पकाएंगे। प्याज को फुल गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये प्याज पकने के लिए हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे।
ये दाल दाने अच्छे से गल चुके हैं जिसे हमने कुकर में सीटी लगाए थे। इसे दाल घोटनी की मदद से अच्छे से घोट लेंगे। के बीच में कहीं लम्स ना रहे। अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो आप उससे भी बीट कर सकते। ये जो गेहूं और बार्ली हमने कुकर में बॉइलिंग के लिए छोड़े थे ये थोड़े से कड़क कड़क से है। इसे हैंड ब्लेंडर की मदद से आप मैश कर सकते हैं। अब मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है इसीलिए मैं इसे मिक्सर में पीस लेती हूँ। ये मिक्सर में मैं मोटा मोटा सा ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसे इसमें डालकर मिक्स कर लेती हूँ। प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन कलर की हो चुकी है। मैंने दूसरे साइड कुकर में प्याज और तेल ऑलरेडी ऐड कर दी हूँ। ये हम 2 kg का खिचड़ा बना रहे। ये 2 kg मटन का गोश है। इसे बारीक बारीक मैंने पीस कर ली हूँ छोटे छोटे से एकदम। ये 6 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। 10-12 टमाटर है और 10-15 हरी मिर्ची है। और ये ड्राई मसाले हैं मैं डालने के टाइम पे आपको बताती हूँ। और ये कुछ कोथमीर और पुदीना है। प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन कलर हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और इस साइड जो हमने प्याज गोश्त के लिए बघारे थे वो भी सॉफ्ट और गोल्डन हो चुकी है। अब हम मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसे 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। प्याज गोल्डन कलर होके बिरिस्ता हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर फैला लेंगे। अच्छे से इसे छान लेंगे। प्लेट में अच्छे से फैला के रख देंगे। अदरक लहसुन अच्छे से भून लिए। अब हम इसमें ये गोश ऐड कर देंगे। मैं इसमें 3 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। एक चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। तीन से चार बड़े चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। दो चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। तीन चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें ये टमाटर हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। कोथमीर पुदीना सब ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। कुकर की लीड लगा के अभी 5 सीटी आने का वेट करेंगे। ये दाल चावल जो हमने अच्छे से बॉईल कर लिए थे उसे अब हम इस तपेली में डाल देंगे।
ये वही तपेली है जिसमें हमने प्याज तले थे, उसी में ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पे गैस पे रख देंगे। जब तक हमारा गोश्त गलता है इसे भी पकने छोड़ देंगे। 5 सीटी आ गए, हम चेक कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे कि गोश्त अच्छे से गला है क्या नहीं। देखो गोश्त अच्छे से गल गया है, एकदम आसानी से टूट जा रहा है। अब ये गोश्त के मसाले को हम ये दाल चावल जो हमने बॉईल करके रखे थे उसमें मिला लेंगे। इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे, स्लोली डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे गैस पे रख देंगे। बीच बीच में हिलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से दाग लग जाएगा। इसके ऊपर थोड़ा सा बिरिस्ता डाल देंगे। और इसे लो फ्लेम पे गैस पे रख लेंगे। इस पॉइंट पे चेक कर ले नमक मिर्ची आपको कम या ज़्यादा जैसी चाहिए वैसी। मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है तो उसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। गैस को हम लो फ्लेम पे ही रखेंगे, हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे। सो गाइस, खिचड़ा बन के रेडी हो चुका है। देखो देखने में ही कितना डिलीशियस लग रहा है। बनाने में कम से कम मुझे 3 से 4 घंटे लग गए। जितना ज़्यादा टाइम लगा हो उतना ही टेस्टी बना हुआ है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।